चलो भाई, एनर्जी क्या कहते हैं? सबसे पहले एनर्जी को डिफाइन करने का एक कोशिश किया जाए। तो जो कार्य करने की क्षमता है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। हम कहते हैं ना कि किसी में अगर एनर्जी होगा तो वो ये काम कर पाएगा, है ना। तो हम क्या कहते हैं भाई, उसके एनर्जी को हम उस आदमी के कार्य करने के कैपेसिटी यानी उसके क्षमता से जोड़ के देखते हैं। क्या ये सही बात है? साइंस भी यही कहता है। कोई बॉडी कोई काम कितना कर पाता है वही उसका एनर्जी। बोलो क्या दिक्कत? इसीलिए साइंस में भी कहते हैं अगर कोई बॉडी अगर काम कर रहा है या किसी बॉडी में एनर्जी है तो हम समझ जाते हैं कि वो कार्य तो कर सकता है उसी एनर्जी के हिसाब से। बोलो हाँ या ना? बोलोगे यस। हाँ बट प्रॉब्लम यह है कि एनर्जी अलग अलग तरह के होते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, एकॉस्टिकल साउंड वाला, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, न्यूक्लियर एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। और तुम्हें पता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होता है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल पता है। ठीक। और हम मास एनर्जी रिलेशन जानते हैं आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, है ना। कौन सा था ये वाला? E इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, जहां पे मास पार्टिकल का, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। एनर्जी के बाकी डायमेंशन वायमेंशन तुम लोग जानते ही हो, ये फिजिक्स में कई बार पढ़ चुके हो, है ना, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्या मुझे ये बताना पड़ेगा? अगर हम फिजिक्स का बात करें, खास करके मैकेनिक्स का, जहां पे हम बात करते हैं मोशन का, फोर्स का, तो यहाँ पे अपने को दो एनर्जी से ही सिर्फ लेना देना है, ना लाइट से लेना देना है ना बाकी चीजों से। वो दो एनर्जी कौन से हैं? एक है काइनेटिक और दूसरा है पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ऐसा कोई एनर्जी भी होता है। क्या करो, इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। भूल सकते हो दोस्तों? भूल जाओ कि ऐसा हाँ कोई एनर्जी होता भी है। वी आर ओनली कंसर्न विथ काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक? अरे यार, काइनेटिक। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी अगर कार्य करता है, काइनेटिक एनर्जी इंटरनल कैपेसिटी है ना ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना। मोशन के दौरान अगर कोई कार्य करता है, तुम खुद सोचो ऐसे कि ये कोई गाड़ी है, ध्यान से सुनना, ये कोई गाड़ी है ऐसा खतरनाक सा, और ओमकार यहाँ फोन चलाते हुए जा रहा है, इसमें फोन में देखते देखते जा रहा है और गाड़ी से जाके टकरा गया, चलते चलते चलते। कुछ होगा ओमकार को? कुछ नहीं होगा, है ना। क्या होगा? कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और तुमको पता है लकीली, किस्मत से, गाड़ी में कौन बैठा हुआ था अंदर? ममता, ये देख ली। अगले दिन फिर से ओमकार आया और जा रहा फिर से गाड़ी के तरफ, ममता देख ली और इस बार गाड़ी चला दी जोर से। क्या होगा भाई? क्या ममता होगा की ममता? गाड़ी डैमेज होगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ओमकार बस उड़ जाएगा। बस एक जोर की चीख सुनाई पड़ेगी, है ना, और कहानी समाप्त। आया ना? ठीक है। तो ये चीख पुकार ये सब क्यों? और इस बंदे का इतना डैमेज होगा ना, इतना डैमेज होगा कि क्या ही हिम्मत है। तो ऐसा क्यों हुआ? तुम बोलोगे सर इसने मोमेंटम गेन कर लिया था, पहले ये मोशन में नहीं था। तो मोशन में नहीं था तो उसका जो इंटरनल कैपेसिटी था कार्य करने का, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा था। जैसे ये मोशन में आया तो इसके मोशन की वजह से जो इसके अंदर कार्य करने का क्षमता आया इस गाड़ी के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से इसको डैमेज बहुत ज्यादा पहुंच गया। क्या कहते हो दोस्तों? बोलोगे हाँ बिल्कुल सही हाँ बात। ठीक है। तो ये है इसके गाड़ी का कार्य करने का क्षमता जब वो मोशन में है तब, ठीक है, जब वो मोशन में है तब। इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी और बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इम्पार्टिंग द प्रेजेंट वेलोसिटी टू द बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। दो तरीके से, या जो गाड़ी चल रहा है उसको रोको, जितना एनर्जी से रोके वही काइनेटिक एनर्जी, या दूसरा बोल रहा है कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई मोशन में आया बहुत तेजी से और इसको पूरा का पूरा मोशन दे दिया, ठीक है,
एनर्जी दे दिया, तो उसको भी काइनेटिक एनर्जी ही कहते हैं, ये रेस्ट में होना चाहिए। तो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है? तुम बोलोगे कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड है। हाँ या ना? बोलोगे यस बिल्कुल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है दोस्त? हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मोमेंटम के टर्म में एक फॉर्मूला अभी बताए थे आज सुबह सुबह, क्या था मृणाली? क्या था जल्दी बताओ। मोमेंटम स्क्वायर अपॉन मास। ई स्क्वायर अपॉन 2m, याद आया? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। आओ भाई, ये तगड़ा वाला फॉर्मूला, ये थ्योरम, इसी के बारे में बोल रहे थे। इसको तुम फिजिक्स का माई बाप कह सकते हो, या दादा दादी, या जो और कोई टर्मिनोलॉजी अच्छा लगे तो वो कह सकते हो। समझे मृणाली? यस सर। ये थ्योरम कहता क्या है, ध्यान से सुनना, ये थ्योरम तुम्हारा नैया पार लगा देगा कहीं भी अगर फंसोगे। ये कहता है, ये कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तुम बोलोगे ऑल द फोर्सेस मतलब क्या? स्यूडो फोर्स, ये तो कोई फोर्स नहीं होता, ये भी इसमें ऐड करो। टेंशन, हाँ वो भी ऐड करो। तुम बोलोगे फ्रिक्शन, वो भी ऐड कर दो। ग्रेविटेशन, वो भी ऐड करो। सेंट्रीपिटल, वो भी ऐड करो। सेंट्रीफ्यूगल, वो भी ऐड करो। और कौन सा पढ़े हो तुम? स्प्रिंग, वो भी ऐड कर लो। जितना फोर्स दुनिया भर में पढ़े हो, जितना फोर्स और आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, सबको सबको जब ऐड करते हैं, और वो जो कार्य करता है उस बॉडी के ऊपर, वो उस बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका, इस फॉर्मूले का कोई एक्सेप्शन नहीं है, है ना? इस फॉर्मूले का या इस थ्योरम का नो एक्सेप्शन, चाहो तो कहीं कोपचे में लिख लो, नो एक्सेप्शन। एप्लीकेबल एवरीवेयर भाई, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है दुनिया में। जहां तुमको मना है वहां लगा दो, जहां पे मना है वहां लगा दो। यानी ये कुल मिला के क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जिसको W से दिखाते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज डेल्टा के ई। तुम बोलोगे अच्छा भाई, मास तो उस बॉडी का सेम ही होगा, तो हाफ एम को हम क्या रखते हैं? कॉन्स्टेंट मतलब बाहर, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर। बोलो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अपना इससे नैया अपना पार लगेगा। 2 मिनट रुको सर, क्यों? फिर से दिखाइए वो फॉर्मूला। अभी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है? मैं हर वो चीज बताऊंगा जो मुझे बताना चाहिए, डोंट वरी। किसी की तरफ से मेरा आवाज ही कॉपी होगा। जैसे छोटे 4 बार से वो तो माना लेट होते हैं, उनसे हमें 5 बार लेकिन उससे पहले एक दो उससे सवाल पहले मैं एक देना दो चाहूंगा सवाल बताना चाहिए। यार, ममता की तरफ से आवाज। मुझे बताना कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा सही गलत है। देखो, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा कंसेप्ट भी लेके चलना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चंस भी लेके चलना पड़ेगा। अगर सही तो क्यों, गलत तो क्यों? देखना, ये काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे दोस्तों मास है, यहाँ पे दोस्तों मास है, ठीक है? मुझे बताना कौन सा गलत, कौन सा सही, बताओगे? ये है, यह पोटेंशियल, सॉरी मोमेंटम, और यह मास, यह मोमेंटम, यह मास। चार है तुम्हारे पास,
चारों में कौन सा सही कौन सा गलत है, जल्दी बताओ। बोलो, ये ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर, जल्दी बताइए। उसके बाद दो ग्राफ और देंगे। ब्रुनाली बताओ तो, देखो मैं अच्छा अच्छा चीज पढ़ा रहा हूं, ये नहीं समझोगे फिर कैसे चलेगा काम। कोई बताएगा? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? एम आई ऑडिबल टू एनी वन? कोई जवाब ही नहीं देता भाई। सुन पा रहे हो तो जवाब तो दो। सर, चलो आओ, देखो तुम लोग समझते ही नहीं हो कुछ। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है क्या? क्या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है? बोलोगे हाँ, ये सही है। बोलो हाँ या ना। बोलो, सर। क्या काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई टू एम होता है? तुम बोलोगे हाँ। तो क्या काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा इफ पी इज कॉन्स्टेंट? तो ये ग्राफ भी सही है अगर पी कॉन्स्टेंट है। बोलो हाँ ना। बोलोगे हाँ बिल्कुल। मोमेंटम क्या होता है दोस्त? मोमेंटम होता है एम इंटू वी। बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो अगर m इंटू वी है तो क्या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है? बोलोगे हाँ, ये ग्राफ सही है। बोलो ब्रोनाली, गेटिंग इट और नॉट? बोलोगे हाँ। और यहां से देखो, हम p का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां से क्या हो जाएगा p का वैल्यू? ममता, क्या p इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू के ई इंटू m होगा या नहीं होगा? तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम या एम का पावर 1/2? तुम बोलोगे हाँ। कब? जब के ई को क्या करो, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ भी सही है, चारों ग्राफ सही है। बोलो हाँ ना। हाँ सर, तो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, अरे सर पी का एम के साथ कैसा रिलेशन, के ई का एम के साथ कैसा रिलेशन? भाई देख लेना, देख लेना, ये ग्राफ भी सही है, ये ग्राफ भी सही है। एक और दे दे क्या? एक्सक्लूसिवली ममता तुम्हारे लिए हो जाएगा। सर पिछले वाला ही नहीं समझ, कौन सा वाला? तुम चारों क्लास में ध्यान नहीं देती हो ना, सच बताना। सर ध्यान ही तो दे रही हूँ। सर मंकी, ये बताओ क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है? सुबह तो क्या काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं? तो हाँ क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? अरे ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, सिंपल, तो स्ट्रेट लाइन सिंपल। क्या काइनेटिक एनर्जी के लिए ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी अभी? हाँ तो यहां से मास के साथ इनवर्स रिलेशन आ गया ना, उल्टा। इस फॉर्मूला हाँ में डायरेक्ट था, इसमें तो उल्टा आ गया, लेकिन ये उल्टा कब आएगा? जब ये कांस्टेंट रखोगे तब, और ये चेंज करते रहोगे, ये कांस्टेंट रखोगे, ये चेंज करते रहोगे, तभी तो ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। तो इनवर्स रिलेशन आ गया, पी को अगर कांस्टेंट कर दोगे तब काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट ही है पहले, सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। कैसे? इनवर्स, तो इनवर्स है तो ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, ऐसे। बोलो हाँ सर, अब ये वाला देखो, क्या
मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं, एम इंटू वी, तो भाई मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलोगे हाँ, तो सीधा लाइन। और यहां से देखो पी का फॉर्मूला क्या आएगा, इस 2m को यहाँ पे डाल देंगे अंडर रूट करके, तो पी इज इक्वल्स टू 2 KEm आ जाएगा अंडर रूट। हाँ तो क्या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, यानी एम का पावर 1/2, तो हाँ सर, ऐसा टफ बनेगा। बोलो अब बोलो ममता, यार मेरा आज तबीयत बहुत खराब लग रहा है, रुको एक और सवाल देते हैं, बहुत कुछ पढ़ाना है, बताना कौन सा ग्राफ गलत है कौन सा सही है। रोनाली तुम भी तो बोलो कुछ, मेरी भी तबीयत बहुत खराब है सर। मेरी बहुत ज्यादा है, मैंने तो दवा भी खाया है सुबह से, बट कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा, मेरी बताओ भी कौन सा सर। गलत। कोई नहीं कोई नहीं, तुम लोग बताओ कौन सा ग्राफ गलत कौन सा सही है, सभी बच्चे बताएंगे। सर हाँ सर नहीं बताओ ममता, डोंट डू दिस यू नो कौन सा अदरवाइज, गलत है वही बताया है ना। हाँ अदरवाइज वी विल किल यू, डू यू नो दैट, आई नो इट वेरी वेल। यू नो इट वेरी वेल, देन गो अहेड शॉट इट आउट। कर लिए सर दूसरा वाला सही है तो पहला वाला गलत है क्या? ओके ठीक, सभी बच्चों का यही आया क्या, पहला गलत दूसरा सही है। आओ देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, तो हमें पता चलता है के ई इज इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m, है ना, हाँ तो के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो ये ग्राफ एकदम सही है ना, क्योंकि यहाँ पी दिया है, बोलोगे ठीक, एंड के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ एक्स पे पी स्क्वायर ही दिया, तो स्ट्रेट लाइन सही है, दोनों सही है ग्राफ। ये तो गजब हो गया, सारे ग्राफ हम सही दे दिए आज तो, है ना, ममता हो गई वही कंफ्यूज, तो। चल क्या रहा है भाई। अब तुम्हारे बुक में, हाँ पी स्क्वायर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब तुम्हारे बुक उधर में जो पी कुछ है कुछ, उधर पी स्क्वायर है। हाँ तो देखो ना यहाँ पी स्क्वायर है और यहाँ पी है सिर्फ, अब देखो तुम्हारे बुक में कुछ कुछ टॉपिक पे सीधा वो कूद के आ गया, वो टॉपिक पे आने से पहले मैं एक दो सवाल देकर कंसेप्ट को थोड़ा बिल्डअप करना चाहूंगा, कर दूं क्या, एक एक सवाल बस, ताकि थोड़ा और कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाए, क्या कहते हो दोस्तों, हो जाए एक सवाल, सर ठीक है। देखो तुम लोग अगर हाँ रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, अन्यथा तुम लोग तो जानते ही हो क्या होता है सिस्टम, तो आओ एक दो सवाल ले लो, वो सवाल जानबूझ के दिया जा रहा ताकि आप कुछ सीखे इसमें, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है एक इंक्लाइन प्लेन, ध्यान से सुनते जाना, अब देखो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक मैंने गेंद रखा है, क्या रखा है ममता, गेंद, गेंद मतलब जानती हो, हाँ बॉल। बॉल, अरे वाह गुड वेरी गुड, यू आर अ गुड गर्ल। अब इस गेंद को देखो तो ये अपने आप नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल आएगा नीचे, इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, तुम बोलोगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा दोस्तों, बोलोगे हाँ बिल्कुल ये नॉर्मल होगा। योगेश दादा ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या ऑलवेज नीचे की तरफ, इसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता सरफेस कैसा है, ऑलवेज सीधा नीचे, है ना, सही बात, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं, एम भी लिख लो, मास बॉल का है।
ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि इसका दूरी, सुनते जाना, इसका जो ऊंचाई है दोस्त, मान लो इसका ऊंचाई है एच, कितना है एच, कैपिटल एच। ये एंगल है दोस्तों थीटा, तुम बोलोगे ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है जिसको मैंने बोल दिया म्यू, या म्यू अभी हटा देते हैं, छोड़ दो, म्यू इक्वल्स टू 0 करो, अभी कुछ और से सिखा रहे, ध्यान से सुनते जाना। ठीक, इस पूरे का दूरी हम दे देते हैं, इस पूरे यहां से यहां तक का दूरी ले लो, एस, सपोज एस ले लो। ठीक, अब मैं तुमसे दो सवाल पूछना चाहूंगा। पहला है वर्क डन बाय ग्रेविटी, दूसरा है नॉर्मल। जल्दी से बताओ दोस्तों, सीधे वर्बली बताओ, होगा तो बताओ, नहीं होगा तो भी बताओ, क्योंकि टाइम हम बर्बाद अभी नहीं करेंगे, तो नॉर्मल के लिए बिकॉज मास ही नहीं दिया। हम दोस्तों नॉर्मल के मास एम दिया है ना, यहाँ एम जी हाँ तो एम दोस्तों जी होगा ना सर। दोस्तों अच्छा दोस्तों दोस्तों, नॉर्मल का अगर हम बात करें तो क्या मैं उसके लिए ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सभी लोग बताना, ममता तुम भी, हाँ वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू, है ना, फोर्स एफ एस कॉस थीटा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, एफ कितना होगा एम, एस कितना होगा एस, और कॉस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 आ जाएगा। बोलोगे कैसे भाई, बॉल नीचे आ रहा नॉर्मल ऊपर है, बॉल नीचे आ रहा बॉल नॉर्मल ऊपर, कितना एंगल बना 90 डिग्री, वर्क क्या हो जाएगा 0। कितने लोगों को समझ आया ये बात? योगेश दादा 90 डिग्री का एंगल कैसे बना सर? अभी बताते हैं, 1 मिनट। ममता, ओ ममता, हाँ सर, बॉल जो यहाँ पे है क्या ये नीचे आएगा हाँ या ना, बस ये बता दो। आएगा। और ये नॉर्मल रेड कलर का, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा, तो ये कितना डिग्री एंगल बन रहा है ये बताओ। नाइनटी। तो नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, तो सरफेस की तरफ है इधर, तो 90 डिग्री कहाँ से ये मोशन करवाएगा, कॉस 90 0 होता है, कुछ नहीं हो सकता भाई, गट इट। हाँ सर, अब मेन प्रॉब्लम आता है कि सर एमजी का क्या रोल, एमजी कितना काम करवाएगा, है ना, आप हमको वो बताइए, है ना, आप हमको वो बताइए। तो एक चीज देखो भैया, एमजी क्या काम करवा रहा है, ध्यान से सुनते जाए। बॉल कहाँ से कहाँ जा रहा है, मान लो इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, क्या बॉल ए से बी तक जा रहा है, सभी बच्चे बोलेंगे हाँ या ना, बोलोगे जी सर बिल्कुल। हाँ तो जा क्या रहा वर्क डन इज इक्वल्स टू योगेश दादा बाय ग्रेविटी, हम एफ एस कॉस थीटा लिखें, तुम बोलोगे हाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मुझे एक बात बताना, एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तुम बोलोगे एम जी, क्योंकि ये एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कहते हो दोस्त, ये हो गया। और ये है हमारा एम जी, एस का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, जो बता दिया हो गया, कहानी यहीं पे समाप्त, पूरा ग्रेविटी का टॉपिक समाप्त, एस का वैल्यू क्या लिखे योगेश, एस का वैल्यू क्या लिखे, ये वाला या कुछ और ही। ममता कुछ और ही सर। यही लिखना पड़ेगा, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, हमेशा मैंने बोला ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, बट यही एस का वैल्यू चेंज हो जाएगा फ्रिक्शन में, अभी मैं बताऊंगा क्यों, ग्रेविटी में चेंज नहीं होता ये डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल ए से पार्टिकल बी तक का डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, है ना,
मैं लिख देता हूँ कहीं कोपचे में, यही सब मुझे बताना था। वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट। बस कितना ऊंचाई से कहां पे आया ये बताओ, कैसे आया, कैसे आया उससे कोई लेना देना नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट। यही था इस क्वेश्चन का क्रक्स, ठीक है? यानी हमको बस ये लेना देना है कि वो यहां से आया, ऐसे 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 घूम के आया, कैसे भी आया भाई, यहां से यही आया ना, बस हो गया। अपने को हाइट से लेना देना। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे एच। क्या लिखेंगे? एच। और कॉस 0 डिग्री है। कैसे कैसे? पार्टिकल यहाँ पे था, आया है इधर ही, है ना, नीचे की तरफ ही, ऐसे नहीं आया। फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हुआ है ना, तो कॉस 0 डिग्री, एम जी एच। वर्क डन बाई ग्रेविटी, एम जी एच। तुम बोलोगे फिर तो सर हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, क्या कहती हो? हाँ सर, हमेशा यही लगेगा। यस, याद रखना ग्रेविटी में हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। इसको कर लो बक्से में बंद, ऑलवेज वर्क डन बाई ग्रेविटी। सॉरी, लिख लिया दोस्तों। लिया सर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे एच का तो वैल्यू कुछ दिया नहीं है, अगर नहीं दिया होता तो नहीं दिया होता, और अगर एस का ही दिया रहता तो हम निकाल लेते। कैसे? ये क्या है? ये है एच, ये क्या है पी, ये क्या है बी, पी बाई एच। थीटा दिया है ना, थीटा से निकाल देते। कहते इधर देखो, साइन थीटा क्या होता है मृणाली ममता, पी बाई एच, ठीक है? हाँ तो पी सर, बराबर क्या हो जाता है, ये पी निकालना था, लिख देते एच साइन थीटा। एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइन थीटा। एच साइन थीटा इक्वल्स टू पी, और एच की जगह यहाँ क्या है, एस, एस साइन थीटा इक्वल्स टू एच, ये वाला। सॉरी, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो दोस्तों, नहीं सर। ठीक है। एक और सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब देना, ठीक है? ठीक है, इसके बाद मैं क्लास अभी नहीं लूंगा, ठीक है? इधर देखो, एक गेंद है यहाँ, गेंद है यहाँ, गेंद है यहां, मैं बोल रहा हूं, सब एक ही हाइट से आ रहा है, मान लो सब एक ही हाइट से आ रहा है, ठीक है, एक हाइट से, और सब यहीं पे आ रहा है। अरे मान लो सबके सब यहीं पे आ रहे हैं, इसी इसी पॉइंट पे, ए बी सी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या सेम होगा सबके साथ, सोच के बताओ। सेम। हाँ आंख सर, बंद करके बोल दो हाँ, आंख बंद करके क्या बोलोगे? हाँ, क्योंकि मैंने बताया था ये हाइट पे डिपेंड करता, कैसे आ रहा क्यों आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हाँ सर, है? और सबका वर्क डन कितना होगा दोस्तों, एम जी एच, अगर बॉल आइडेंटिकल है तो, है ना? हाँ, इसमें वर्क डन मास के ऊपर डिपेंड करता है, फॉर आइडेंटिकल बॉल, याद रखना। फॉर्मूला में एम आ गया ना, क्या योगेश? एम आइडेंटिकल बॉल। बाप रे, एक सवाल दे दे, हाँ सर, दे दो। ले लो ममता, ले लो। ये लास्ट सवाल है वर्क डन बाय ग्रेविटी के ऊपर। अगर ये सवाल तुमने बना दिया तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारा ब्रेन फंक्शनल है। घर में लोग तुम्हारा बहुत टांग खींचते होंगे ना, ममता? नहीं सर, नहीं। क्यों? पापा के अलावा कोई नहीं खींचता। ओ, मास एम है।
वर्क डन बाय ग्रेविटी, कैलकुलेट कीजिए। जल्दी से, इसका दूरी 3 मीटर दिया है हमको। आपने सिर्फ 3 ही दिया है, तीन हाँ 3 मीटर, मीटर अब बताओ और कुछ जल्दी नहीं। जल्दी जल्दी। ममता हाँ सर, डोंट बी बैड, जल्दी करो ममता, दिस इज बैड। हाँ सर, हो रहा है, रुको ये सवाल उन्हीं से होगा जिनका बेसिक मैथ्स स्ट्रांग है, अदरवाइज भूल जाओ ये सवाल को। सर आपने गलत दिया है। हाँ मुझे पता है, क्वेश्चन गलत ही होता है, आंसर सही आता है। ऐसा आओ बालकों, ये हो जाएगा उल्टी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। योगेश दादा क्या मैं सही हूं, बस इतना बताइए। ओके तो क्या पी और बी के बीच में रिलेशन हम निकाल सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ, 10/37 इक्वल्स टू पी बाई बी, और बी का वैल्यू हमें पता है, पी पता चल जाएगा। लेकिन 10/37 पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने बताया था, आपने वो याद आ रहा है? ट्रायंगल दिया है। यस। ये कितना होता है? 5, ये होता है 4, ये होता है 3। 5 और 3 के नहीं बीच में कितना सर, होता है? हाँ ये 5 और 3 पांच, के बीच में 53, 5 और 4 के बीच में 37, याद आ रहा है? बोलोगे हाँ। तो 10/37 कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 10/37 यहाँ पे पी हो 3/4। जाएगा, ये बी और ये एच। इसके लिए अरे यार ग्रीन कलर से लिखना, अगर ये एंगल को कंसिडरेशन में लेते हो तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। तो 10/37 का वैल्यू 3/4। सॉरी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 इज इक्वल्स टू P/3। तो यहां से P का वैल्यू हमें पता चल गया 9/4, ये हमें हाइट पता चल गया इसका, 9/4 है हाइट। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? बाय ग्रेविटी MgH। ठीक है, मास कितना है? m ही है। ग्रेविटी कितना है? 10 है, 9/4 है, खत्म, यही आंसर है, mg 9/4। mg लिख सकते हो या 10 लिख सकते हो, यही आंसर है, इजी था, बहुत इजी था। एक केस मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, सर वैसे वो अभी तो टाइम स्टेप नहीं समझा, पी वाला ये वाला, ये वाला। मतलब। हाँ, आपने 10/37 ही क्यों लिया, ओके देखो, साइन 37 कॉस यस 37। यस यस यस, अगर ममता मैं साइन 37 लेता ना, तो मेरे पास आंसर आता P/H का, और प्रॉब्लम हाँ यह है कि H अपने को दिया ही नहीं और P भी नहीं दिया, समझी? और अगर टेन थीटा ले रहे हैं तो टेन थीटा में एक ये नहीं दिया बट ये तो दिया है एक साइड का, तो एक साइड का तो दिया, ये तो प्रॉफिटेबल है, तो कर दिया। कॉस भी नहीं ले सकते क्योंकि होता है B/H। ठीक है, एच निकालना नहीं है, क्यों मेहनत करें? निकालना तो पी है, एच निकाल के क्यों समय बर्बाद करें? क्या कहती हो? तो इसीलिए 10 थीटा लिए। 10/37 का फिर से सुनो ट्रिक, एक बार फिर से सुन लो ये ट्रिक, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो तुम्हारे साथ खेलेगा और तुम खेलने भी दोगे, हमको मालूम है, आता हुआ चीज बर्बाद करके आ जाओ सिर्फ एंगल याद ना होने की वजह से। मैंने ट्रिक बताया है, क्या हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा? तुम बोलोगे हाँ, तो इसमें लिखो 5, एक में लिखो 4, एक में लिखो 3। अब ध्यान से सुनो, 5 और 3, 5 और 3 कितना हुआ? 53। 5 और 3 कितना हुआ? 53। तो भाई इसके बीच में 53 लिख दो, सिंपल, अच्छा ट्रिक है ना। और बाकी 3 और 4 कितना होता है? 7, तो 3 के साथ 7 लिख दो, 37 डिग्री। अलग अलग कलर से लिखते हैं जानबूझ के, देखो अगर ये पिंक कलर वाले को कंसिडरेशन में लेते हो 37 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस
ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर इसको ले तो 53 डिग्री को, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज। बोलो कोई दिक्कत, याद रखना है इसको। क्या नहीं नहीं, नहीं समझ आया? मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ये याद रखना है, विथ नो एक्सक्यूज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सॉरी।